शौच करते हैं बाहर साइड हम, मक्खियाँ आके उस शौच पे बैठती हैं और उसके माध्यम मक्खियों के माध्यम से क्या है वो हमारे खाने तक पहुँचती है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं, पेट दर्द, सर्दी और छोटे छोटे बीमारी कई ओटे होत रही सब। अब शौचालय बन गई तब शौचालय में जथन तो पहले से बीमारी है बहुत कम हो गई। जो पहले हम जात रहन बाहर शौचालय में तो जानवर सांप बिच्छू के सब डर रही, आजकल शौचालय बन गई से तो वो सब के डर अब नहीं, हर घर में शौचालय का उपयोग है। साफ़ सफाई अपना घर को दूरा को अपन सामने रोड के अब गली गुची सब के साफ सफाई करे में बाल बच्चा लोग खेलते हैं तो वो ठीक लाख शरीर निरोगी रखना है तो साफ सफाई स्वच्छता बहुत जरूरी है। साथी अब हमें इस बात की आवश्यकता है कि हर कोई हर कहीं हर बार शौचालय का उपयोग करे, कोई भी खुले में मल त्याग ना करे। साथ ही हमें यह भी सबको बताने की आवश्यकता है कि हमें शौच करने के बाद और खाना खाने के पहले अनिवार्य रूप से साबुन से हाथ धोना चाहिए। साथ ही शौचालय को हमें अपनी संपत्ति मानकर, अपने घर का हिस्सा मानकर शौचालय की देखभाल, मरम्मत एवं उसकी साफ सफाई पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।